तुलसी की सास उसे कितना परेशान करती है। अरे माँ जी, हर किसी को आप जैसे थोड़ी ना सास मिलती है। काश तू मेरी बहू बनती। अरे माँ जी, आप ऐसे मत बोलो। कोशिश तो बहुत की थी कि तुम्हारे बेटे को पटाओ, लेकिन वो जो नागिन आके बैठी है ना। क्या बोला तुमने? अरे कुछ नहीं, मैं काम वाली में। अरे काम वाली हो, काम वाली जैसे रहो। चलो जाओ यहाँ से। आ गई चुड़ैल। क्या बोला आपने? कुछ नहीं। कैसे हो होने वाली बहू? हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे मैं मुझे संकेत के साथ शॉपिंग करना है, तो संकेत कहाँ है? होगा बाहर ही। मेरे बेटे को तो इसने छीन ही लिया। इसकी बेटी को क्या, ये घर, ये पूरी प्रॉपर्टी, इनका सब कारोबार में लेने वाली। क्या बोला बहू तुमने? कुछ नहीं। नितेश, तुमने मेरा फेस वॉश क्यों यूज किया? मुझे पता ही था, पिछले जन्म तुम लड़की थे। अरे नेहा, वो क्या है, सोप से मेरा स्किन ड्राई हो जाता है, इसलिए मैंने तुम्हारा फेस वॉश यूज किया। शट अप, नेक्स्ट टाइम से मेरा फेस वॉश मत यूज करना। सॉरी, नहीं करूंगा। अरे हमारी स्किन जो होती है ना, वो लड़कियों जैसी सॉफ्ट नहीं होती है, इसीलिए उनके प्रोडक्ट्स है हमारे स्किन के ऊपर काम नहीं करते। अरे मुझे लगा आप भी वही यूज करते हो। आप जब भी बाहर से आते हो धूप से, तब आपका फेस डल नहीं रहता है, मुझे लगा वही कुछ यूज करते रहोगे आप भी। क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ मुस्टैच का हर्बल स्किन लाइटनिंग ऑयल और ओशन फेस वॉश का कॉम्बो, मर्दों के लिए मर्दों के प्रोडक्ट। अरे इसमें क्या नया है भैया? ऑयल के अंदर हल्दी और एलोवेरा के गुण है, बस कुछ बूंदे ही हाथों पे लेके चेहरे पे मसाज करना है। और फिर क्या, 10 मिनट के बाद ओशन फेस वॉश से फेस वॉश करना है। इसमें है सैलिसिलिक एसिड और लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, जो फेस को अंदर से ग्लो देता है। अरे वाह भाई, प्रोडक्ट तो एकदम सही है, लेकिन मैं लू कहां से? कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में ना सारे प्रोडक्ट्स की लिंक दी है, वहां से तू खरीद सकता है। Amazon और Flipkart पे इसका सेल भी चल रहा है। क्या बात कर रहा है, सेल भी है? तो लूटो, ये यही ना? यही है, ले। यस, अभी मैं भी चमकूंगा। यस। अरे माँ, मैं वो नेहा के साथ है ना शादी की शॉपिंग करके आता हूँ। ओके तुम्हारी बेबी है और एक बजाज खानदान की बहू है। बहू है, बहू है, बहू है। अरे क्या बोल रही हो माँ? पहले से पता था तुम दोनों का कुछ तो चल रहा है। अरे नहीं, ये देखो क्या बात कर रही है। और तुम काम वाली हो ना, ये पूरे घर में तुलसी बन के रहना चाहती हो और ये पूरा घर हड़पना चाहती हो। और मैं भी देखूंगी कि ये संकेत तुम्हारा होता है या मेरा और ये घर। वैसे नागिन, सॉरी दीदी, मैं अब इस घर की बहू बन चुकी हूँ, बहू। अब मैं देखती हूँ कि तुम इस घर में कैसे आती हो। अब मैं भी देखती हूँ तुम इस घर में रहोगी या मैं। अरे पहले बाल तो छुड़ाओ, फिर मैं तुम्हें इस घर से छुड़वाऊंगी। देखिए ये टीवी सीरियल ने हमारे घर की क्या हालत कर रखी है। पहले तो मेरी माँ भी पागल थी, अभी ये दोनों भी पागल हो गई है सीरियल के वजह से।
ऐसे सिंदूर गिरने से कोई बीवी होती है क्या? अभी देखना पड़ेगा आगे क्या होता है, चलो देखते हैं। अरे मिठाई बांटो, जाओ जल्दी से, हमें दिए लगाने हैं। अरे पर क्यों, आज ना दिवाली है ना होली है। अरे वो शांति वापस आ रही है आज। शांति? शांति कौन है? अरे मैं चुड़ैल तेरे आंगन की जो सीरियल की लीड हीरोइन है ना सरिता, उसके चौथे पति की पांचवी बीवी, वो वापस आ रही है आज। भगवान क्या भैया, भैया वो मैं क्या बोल रहा था। हाँ छोटे बोल, क्या हुआ छोटे? मैंने शादी कर ली। अरे छोटे भैया धीरे धीरे धीरे, अटैक आ जाएगा आपको। देखा आपने, ये टीवी सीरियल का ये हमारे ऊपर भी हो रहा है सर। हाँ भैया, पर किससे शादी की तूने? मैं क्या बताऊँ आपको भाई साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। एक काम वाली, अपना काम कर। तुझे और कोई नहीं मिली थी? मुझे बचाओ भैया। क्वाइट, मैं काम कर रही हूँ। चलो। बीवी का गुलाम है वो गुलाम। छोटे की हालत अभी क्या होगी क्या पता। वही तो, अब मेरा क्या होगा? ये क्या हुआ आपको? देखा, मुझे पता ही था कोई अनहोनी हो ही जाएगी। ये पनौती जो आई है घर में, हे भगवान तूने ऐसा क्यों किया, क्यों किया? मेरे पास तो बस मेरा सुहाग ही था, अब मैं क्या करूं? अरे इतना कुछ नहीं हुआ है, इतना चिल्ला रही हो, थोड़ा सा कट लगा। नहीं, मुझे पता है बुरा हो सकता है, मैं भगवान के घर में जाती हूँ और सारे दिए जलाती हूँ। अरे पागल औरत, भगवान के यहाँ क्या दिए दिए जला रही है, बैंडेज ला। पागल औरत लग गया ये। भगवान तूने ऐसा क्यों किया, मेरे पति की रक्षा कर रहा है भगवान। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी, बस भगवान आप मेरे सुहाग की रक्षा करना, उसे इस तकलीफ से बचा लेना भगवान, मेरा सात जन्म का साथ देना। दीदी दीदी देखो ना, इन्हें क्या हो गया, दीदी आप उन्हें बचा लेना प्लीज दीदी। दीदी नहीं, दीदी नहीं नहीं, ये मेरे सुहाग की निशानी है दीदी, अगर ये दिया बुझ गया तो मेरा सिंदूर चला जाएगा। दीदी आप ऐसा मत करो, दीदी मत ऐसा करो। हैप्पी बर्थडे दीदी, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों किया? अरे कुछ काम का नहीं है इंसान, तुम्हें पता है सीरियल में ना ऐसे चुप मारने से भी लोग मर जाते हैं, और तुम इतना खून बह गया फिर भी जिंदा हो। इतना किधर, छोटा सा ही तो लगा है मुझे, और क्यों मारने मारने पे तुलियो? अरे मैंने भगवान से कितनी प्रार्थना की तुम्हारे लिए, कुछ काम के नहीं है ये। देखा आपने, एक दिए के लिए और भगवान के लिए मुझे मारने चली थी। ये सीरियल सच्चे मुझे मारने पे तुल गई है, टीवी निकालना पड़ेगा घर का। भैया आता हूँ मैं। भैया गेम खेलेंगे, आओ। अरे रुको छोटे, टीवी बंद करके आता हूँ मैं। नेहा क्या दिन भर फोन पे बैठी रहती हो, मुझे खाना दो, भूख लगी। क्या? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ खाना चाहिए। अरे कामवाली खाना लाओ। भाभी मैं भी इस घर की बहू आप जैसी। ठीक है ठीक है, रखो। थैंक यू भाभी। और मेरे लिए खाना बहुत घर आएगा। लारी लर दूध, ये दूध क्यों पी रही है? अरे भाई साहब आपको पता नहीं मेरे नागी ये क्या बात कर रही है? ये इच्छाधारी नागिन है भाई साहब। पहले कोई कुछ बोला कि नहीं? अरे नेहा आज तो अमावस की रात है भैया, आज ये इच्छाधारी इच्छाधारी नेहा ना नागिन बचो उससे फिर। भैया इसके पास तो वो नागमणि भी है। वो देखो कैसे कर रही है। देखो, अरे भाई साहब पैर पड़ो, पैर पड़ो, नागमाता आई है। मैं डरता हूँ।
क्या कर रही हो नेहा? दिखाई नहीं दे रहा, मेकअप कर रही हूँ। अरे मेकअप करके कौन सोता है? कभी देखा नहीं है सीरियल में मेकअप करके ही सोते हैं, और मैं हूँ नागिन। तो जाओ ना जाके अपने बिल में जाके सो। नहीं, नहीं नहीं मैं सोता हूँ। सो जाओ चुपचाप। घर में हील्स पहन के चलेंगी पर रात में मेकअप करके सोएंगी, क्या होने वाला है हमारा, भगवान ही बचाए। चलो अभी मैं जाता हूँ अपने मेकअप वाली के साथ सोने को। चलिए दीदी। हाँ? वो चुड़ैल जो है ना मोनिका, वो देखो मक्खी बन गई। अरे आपको भी नागिन से मक्खी बनना पड़ेगा। तो क्या है इसमें बड़ी बात, मैं मक्खी भी बन दूंगी। अब वो छोड़, वो तुलसी दे, तुलसी दे क्या बनी है, बंदर। तो तुझे बंदर बनना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी आई थी तुलसी बन। मैं अपने पति के लिए ना बंदर मक्खी नागिन सब बन सकती हूँ। जा जा। अरे मक्खी बंदर चुप बैठो, सुनो बंद करो तुम्हारा नाटक। ये इनका मछली मक्खी बंदर ये सब चलता रहेगा। आ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो अगर आपको मुस्टैच के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जाइए परचेस कीजिए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अरे बंदर ए मक्खी चलो करो इनको करने दो अपना।